Okay, good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So, जो जो क्लास में हो तुम लोग अटेंडेंस दे देना चैट बॉक्स पे. अमृतेश, शिवांगी, दिव्या ऑलरेडी हैव रिटन. आई एम ऑब्जर्विंग दैट सुमंत इज हेयर. ओके, सुमंत ऑल्सो गिव द अटेंडेंस. ओके फाइन. सो और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि एंटेना का जो बेसिक पैरामीटर्स था, कल तो डिसकनेक्ट हो गया था होते होते, फिर और नेट का कुछ इश्यूज था, तो उसमें हम लोग चलते हैं. शेयर करते हैं मेरा स्क्रीन. सो दिस इज़ द गूगल क्लासरूम. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी एक पीपीटी हम अपलोड कर दिए थे, ठीक है, और एक सी बलानीज का एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक जो कि हर एक जगह में फॉलो होता है, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, तो उसको इधर अपलोड किया गया है. तुम लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है. ये छोड़ के भी और भी एक आध बुक्स मेरे पास है, जैसा कि केडी प्रसाद का बुक्स हो गया, वो भी बहुत ही अच्छा बुक है, एंड कुछ इंडियन राइटर्स का भी बुक है. तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. बेसिकली हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तुम लोग नोट डाउन करते जाओगे, ठीक है, और क्योंकि हम तुम लोग को जब बोलेंगे तो उसमें से जो बलानीस का बुक से ही हम तुम लोग को दिखा देंगे. तो कहाँ से मतलब ज़रूरी है, तो अगर मार्किंग नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए मार्किंग करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहेगा हम लोग के पास, ठीक है. अभी फिर दीपावली का छुट्टी रहेगा, दिवाली का, देन छठ, तो नवंबर का हाफ एंड हो जाएगा, देन उसके बाद तुरंत बाद मतलब मिड सेमिस्टर एग्ज़ाम होगा. सो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम लोग को जाना पड़ेगा. तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सेशन. एम आई क्लियरली ऑडिबल? आवाज़ ठीक से आ रहा है ना, क्योंकि नेट का थोड़ा सा मतलब ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे इंटरनेट का. समवन कट के आ रहा है सर, कट के जा रहा है. तो मुश्किल है, मेरा मोबाइल से हम नेट कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल को विंडो के सामने हम रख देते हैं ताकि अच्छा नेटवर्क पकड़े. इससे तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा. सो क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है, अच्छा, बीच में सर गायब हो जाता बीच है, बीच में कट रहा है ना, वो थोड़ा नेटवर्क का चलते और क्या बोलेंगे. ठीक है, चलो स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन पीडीएफ? यस सर, यस सर. ओके ओके ओके. सो तुम लोगों के साथ हम ये जो एंटेनास हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जो एंटेनास इंजीनियरिंग के ऊपर जो भी मतलब क्वेश्चन से पहले वीवीयू यूनिवर्सिटीज़ में एंटेना इंजीनियरिंग बोल के पेपर रहता था, ठीक है, तो अभी उसका नाम बदल के हुआ है एंटेना एंड वेव प्रोपागेशन. तो मेनली प्रोपागेशन साइट से बहुत ही कम
टॉपिक्स इधर कवर किया हुआ गया है, क्योंकि प्रोपागेशन इटसेल्फ अ ह्यूज सिलेबस, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता था हम लोग का एमटेक में, एक प्रोपागेशन के ऊपर ही एक अलग करके पेपर रहता था, लेकिन यहाँ पे एकदम लास्ट मॉड्यूल में भी 50% प्रोपागेशन कवर का ऊपर कुछ कुछ लिखा गया है, और बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो है एंटेना के ऊपर ही है, ठीक है। तो एंटेना के ऊपर ही हम लोग का ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ये जो 7 सेमिस्टर है, देखो इसी सेमिस्टर, यही सेमिस्टर में तुम लोग का सिर्फ थ्योरिटिकल पेपर चलेगा लास्ट, ठीक है, 8 में कोई भी पेपर नहीं। तो हम तो ये बोलेंगे जो जो कॉमन पेपर है, ठीक है, तुम लोग का आसानी के लिए ही ये वही सब पेपर रखा गया है जो कि पहले मान लो तुम लोग का सीनियर्स स्टडी किए थे, तो ताकि हम लोग का एक गाइड मिल जाए, ठीक है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन होता है, रेदर प्रोफेशनल में और ओपन में तो डिफरेंट डिफरेंट नया नया सब्जेक्ट्स भी है, लेकिन उसके लिए मतलब बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट्स को भी मतलब पढ़ना भी पड़ेगा बहुत डिटेल्स में, और कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी हम लोग का मतलब थोड़ा सा आइडिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो रहता धीरे धीरे हम लोग वो सब एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि नया सब्जेक्ट है वो भी, टेक्नोलॉजी जितना जितना हाई हो रहा है, सपोज मान लो स्मार्ट एंटेना, ठीक है, स्मार्ट एंटेना, फिर 5G कम्युनिकेशन, तो स्मार्ट एंटेना पढ़ने से पहले मतलब ये हमको लगता है कि एंटेना इंजीनियरिंग का कंसेप्ट एक बार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंटेना इंजीनियरिंग अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो तुरंत मतलब स्मार्ट एंटेना में जाना थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाएगा, ठीक है। और अभी मतलब तुम लोग का प्लेसमेंट जितना जिनका हुआ है, तो तुम लोग उस बिहाफ में भी थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करोगे, और जिन लोगों का नहीं हुआ है अभी काफ़ी सारा प्लेसमेंट होने होना बाकी है, तो प्रिपरेशन चाहिए, तो वो सब भी देखना है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब इजी करके, जैसा कि तुम लोग हम पहले भी बोल चुके कि वैल्यू एथिक सब्जेक्ट थोड़ा सा मतलब इजी हो, ताकि उसी लिए उसको चूज किया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई उसमें मैथमेटिक्स या डेराइवेशन नहीं रहेगा, तो जो जो जितना हो सके तुम लोग का मतलब हित में ही सोचा गया है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो टाइम बहुत ही कम है, तो तुम लोग का दो सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, एंटेना एंड वैल्यू एथिक्स। तो इसमें एंटेना के ऊपर एंड वैल्यू एथिक्स के ऊपर बहुत मेरे पास, हम पहले भी ये सब्जेक्ट्स ले चुके थे, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, जैसा कि क्वेश्चन बैंक्स माइक्रोवेव में भी हम जैसा प्रोवाइड किए थे, खैर उसमें तो तुम लोग का एग्जाम नहीं हुआ सेमिस्टर एग्जाम, लेकिन होता तो तुम लोग का समझ में आता कि कितना इम्पोर्टेंट वो था। तो इसी तरह से ये इस बार, लेकिन हमको लगता है कोई बचने का और रास्ता नहीं है, ठीक है, इस बार एग्जाम होगा ही होगा, वो भी ऑफलाइन मोड में होगा, गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि अभी फिर से सुनने में आ रहा है कि कोरोना का केस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है इंडिया में, तो क्या होगा हम लोगों को पता नहीं आगे जाके, लेकिन होप फॉर द बेस्ट ताकि अभी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, बहुत दिन ऐसा चल रहा है, तो सभी के लिए ही प्रॉब्लम है, तुम लोग के लिए भी प्रॉब्लम है, हम लोग के लिए भी प्रॉब्लम ही है। सो वट एवर, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटेना फंडामेंटल्स हम लोग का, एंटेना इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक कुछ फंडामेंटल्स स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें से क्या एंटेना का मतलब क्या होता है, तो वो ऑलरेडी कल अभिषेक ने थोड़ा थोड़ा बताया था, अगर तुम लोग क्लास में थे तो सुन चुके हो, ठीक है। तो एक बार रिपीट करोगे कि एंटेना, हम भी कल डिस्कस किए थे, मतलब जस्ट बुकिश नॉलेज के बाहर जाके, मतलब एंटेना का मतलब क्या होता है कल भी डिस्कस हुआ था, जस्ट एक बार कोई एक एक लाइन बोल दो, फिर हम आगे बढ़ते, क्योंकि कल क्लास इसी में खत्म हुआ था। एंटेना का मतलब क्या समझ में आता है, एंटेना का काम क्या होता है, और क्यों किस लिए यूज किया जाएगा? एनीवन? हेलो, साउंड आ रहा है? बोलो कोई, एंटेना का मतलब क्या होता है? कोई नहीं बोल रहा है। रानी कुमारी, अरे उदयर, रानी कुमारी, यस हाँ, तो एंटेना का मतलब क्या समझते हो, बोलो, एनी आइडिया? सर, नो सर। ओके, सो कल जो लोग थे,
उसमें से सुमंत बोलो, और एंटेना का मतलब क्या समझते हो? सर रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन रेडिएशन? ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी शॉर्ट, लेकिन नहीं, मतलब उसमें देखो दो टर्म हम लोग का इम्पोर्टेंट, एक है ट्रांसमिटिंग और एक रिसीविंग। जब एंटेना का बातचीत होगा तो ट्रांसमिटिंग एंटेना या फिर रिसीविंग एंटेना, दैट मीन्स व्हेन वी हैव सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सम समथिंग समथिंग इन सिग्नल फॉर्मेट फॉर रिसीविंग और फॉर ब्रॉडकास्टिंग और फॉर सेंडिंग पर्पस। ओके, दैट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू आर ट्राइंग टू सेंड सम सिग्नल। देन व्हाट टू डू, देन यू नीड सम डिवाइस टू कम्युनिकेट इट और टू सेंड इट, राइट? व्हेन यू आर लोकेटिंग इन सम नियर डिवाइसेस और नेबरहुड पीपल, देन यू नीड नॉट एनी सच टाइप ऑफ डिवाइस। सपोज समथिंग यू आर सेंडिंग सम मनी फ्रॉम योर होम टू योर जस्ट नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर दैट मीन्स योर साइट समवन इन योर नेक्स्ट हाउस होल्ड, देन यू बाई बाई वॉक यू जस्ट गो टू दिस दैट हाउस एंड गिव हिम टू द मनी। ओके, एंड इफ यू हैव एनी मैसेज टू गिव हिम और हर, देन यू कैन डू दिस। बट वेन सिटिंग इन रामगढ़ और सिटिंग इन झारखंड यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट द सिग्नल और समथिंग यू हैव सपोज यू आर वॉन्ट टू ट्राई टू सेंड इट इन अमेरिका और इन ऑस्ट्रेलिया, देन वॉट टू डू? देन देयर इज नो ऑप्शन बाय वॉकिंग और बाई गोइंग टू द कार, राइट? सो दैट टाइम यू नीड टू सेंड द सिग्नल थ्रू सैटेलाइट, क्लियर? तो बाय सैटेलाइट इट इज नॉट पॉसिबल टू थ्रो अ बॉल और थ्रो अ सिग्नल टू द सैटेलाइट बिकॉज द डिस्टेंस इज मच हायर, दैट टाइम यू नीड द एंटेना, क्लियर हुआ? तो इसी के लिए हम लोग का जो एंटेना है, हम लोग कोई भी चीज को मतलब एक बहुत ही रेंज में ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उस केस में एंटेना का यूज करेंगे। और डेफिनेटली ट्रांसमिट अगर हो जाएगा सैटेलाइट के थ्रू, अगर वो चला भी जाएगा तो उसको रिसीव भी करना चाहिए, तो उस केस में हम लोग का रिसीविंग एंटेना का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये होता है कि एंटेना जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो रेडियो वेव सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये एक डिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हो गया, और डिफरेंट जो है एंटेना सिर्फ नॉट ओनली डिस्टेंस, कल भी बातचीत किया गया था, सपोज यू आर ऑलवेज कैरिंग अ एंटेना फ्रॉम योर मोबाइल, राइट? व्हेन यू आर यूजिंग मोबाइल और व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन एल्स, दैट टाइम यू आर कैचिंग सम सिग्नल फ्रॉम द टावर, रेडियो मोबाइल टावर, दैट मीन्स यू हैव द इन योर मोबाइल बोथ, यू हैव द रिसीविंग एंटेना एंड द सेंडिंग एंटेना, ट्रांसमिटिंग एंटेना, राइट? एंड व्हेन यू आर टॉकिंग दैट टाइम द सिग्नल इज इन अपवर्ड स्ट्रेंथ, अपलिंक, यू कैन से दिस अपलिंक, सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर मोबाइल। सो बोथ द रिसीविंग एंटेना एंड ट्रांसमिटिंग एंटेना इज प्रेजेंट इन योर मोबाइल। सो लाइकवाइज नाउ आवर प्रेजेंट वर्ल्ड जो विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज है, जैसा कल भी बात किया गया था, जैसा फैन हो गया, लाइट हो गया, अभी हम लोग रिमोट से कंट्रोल करते, घर में एयर कूलर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, सब कुछ अभी हम लोग रिमोट से कंट्रोल करना चाहते, ठीक है? थोड़ा हम लोग का लाइफ स्टाइल थोड़ा लैविश हो गया है, हम लोग थोड़ा और आराम चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग सारा कुछ रिमोट से कंट्रोल करना चाहते, तो दैट इज वाई उसमें भी एंटेना होगा। तो ये एक डिस्टेंस प्रॉब्लम के लिए नहीं है कि हर टाइम डिस्टेंस सॉल्यूशन के लिए एंटेना यूज किया जाएगा, हम लोगों का लाइफ स्टाइल में भी आगे धीरे धीरे एंटेना का यूजेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, हर एक डिवाइस के अंदर एंटेना लगा हुआ रहता है ताकि वो वायरलेसली कम्युनिकेट कर सके। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है? तो वायरलेस जहां पे वायरलेस कम्युनिकेशन का बात आएगा वही सब जगह पे एंटेना का जरूरत पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ओके, दिस इज नॉट द बुकिश डेफिनेशन, तो हम लोग का तो बुक में तो डेफिनेशन मिलेगा ही। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, एंड एंटेना हम लोग क्यों यूज करेंगे और किस क्यों इसका जरूरत है हम लोग का कम्युनिकेशन सेक्टर में, तो ये है इसका आंसर। तो देखते हैं अभी फंडामेंटल्स में हम लोग का क्या क्या है। तो देखो अभी एंटेना का एक बेसिक डेफिनेशन दिया गया है कि एन एंटेना इज अ डिवाइस
that provides a transition between the guided electronic electromagnetic waves in wires and electromagnetic waves in the free space. That means हम लोग का जो ट्रांसमिशन लाइन, देखो ये जो पिक्चर तुम लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा हम जूम करते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो ये जो एक गाइडेड ईएमओएफ है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज योर ट्रांसमिशन लाइन. ये जो हॉरिजॉन्टल एरो दिख रहा है, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, ट्रांसमिशन रीजन का जो एंडिंग है, दैट मीन्स सपोज मान लो एक पाइप है, एग्जाम्पल उस पाइप के थ्रू तुम कुछ सिग्नल भेज रहे हो, तो वो पाइप का एंडिंग से मतलब वो फ्री स्पेस में ट्रांसमिट हो जाएगा. तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कैसे मतलब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जब माइक्रोवेव पढ़ाई हो रहा था, तो उस केस में भी तुम लोग देख रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या क्या चीज होता है. रिटर्न लॉस होता है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक होता है कि इम्पेडेंस मैचिंग. ठीक है, ठीक ठाक अगर मैचिंग नहीं होगा तो लॉस होगा. तो हम लोग क्या चाहेंगे, ये जो जनरेटर है जनरेटर से जितना जनरेट हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम हम लोग का ट्रांसमिट हो जाए 100%. रेदर प्रैक्टिकल केस में कि वो 100% ट्रांसमिट नहीं होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ लॉसेस तो रहता ही है. तो जितना इफेक्टिव एफिशिएंसी हम लोग का एंटेना का रहेगा, सपोज मान लो किसी का 90% ट्रांसमिट हो रहा है, किसी का 95% हो रहा है, तो जिसका जितना ज्यादा होगा उस एंटेना को बेस्ट बोला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन. तो इसमें एंटेना का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम रहेगा ये तुम लोग को दिखाना पड़ेगा. ठीक है, जेनरेटर हो गया, एक गाइडेड ईएमओएफ हो गया. गाइडेड ईएमओएफ किसके थ्रू जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू. एंड दिस इज द एंटेना सेक्शन. ठीक है, दिस इज द एंटेना सेक्शन जिसके थ्रू वेव लॉन्च इन द फ्री स्पेस. मतलब ये जो गाइडेड लाइन से जो वेव आ रहा था, मतलब एक बाउंडेड था, तो वो जाके अभी फ्रीली ट्रेवल करे इन स्पेस. ओके, सो ये एंटेना का बेसिक तुम्हारा डेफिनेशन हो गया. ठीक है, तुम लोग एक कॉपी रेडी करोगे इसके लिए. बेसिक जो जो हम बोलते जाएंगे उसका नोट्स वगैरह ये तो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोड है, तो नोट डाउन कर लेना. ठीक है, हर कुछ तो याद नहीं रहेगा, तो जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसा वैसा प्रिपेयर करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सब्जेक्ट उतना टफ भी नहीं है और उतना इजी भी नहीं है. ठीक है, लेकिन ऐसा है कि बिना कुछ पढ़े मतलब एग्जाम देने जाओगे तो कुछ नहीं लिख पाओगे. इसमें भी बहुत सारा चीजें हैं. जैसे जैसे हम असाइनमेंट प्रोवाइड करते जाएंगे उसका भी सॉल्यूशन बनाओगे तो सेमिस्टर के लिए आई थिंक प्रिपरेशन हो जाएगा. ओके, और एक चीज बोलना चाहेंगे, मेरा मतलब हम तो सारा जूम का लिंक वीक का पहले ही दे देते हैं हर दिन, मतलब सोमवार को छोड़ के, सोमवार नहीं मंगलवार को छोड़ के, बाकी सारा दिन मेरा 10 बजे से ही क्लास रहता है. तो हम ग्रुप में हो सकता है, जैसा आज भी हम नहीं पिंग किए, तो 10 बजे से मतलब अलर्ट रहना हर एक दिन मेरा. ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सब दिन 10 बजे से ही क्लास रहता है. ठीक है, 2 दिन वैल्यू एथिक से, 3 दिन एंटेना का. ओके, सो देखते नेक्स्ट स्लाइड में. तो एंटेना का ये डेफिनेशन हम लोग को समझ में आ गया. देन है रेसिप्रोसिटी. ठीक है, तो इसका टर्म भी हम लोग का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टर्म्स हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट यू मीन बाय रेसिप्रोसिटी. देखो, एंटेनास कैन यूजुअली हैंडल दिस ट्रांजिशन इन बोथ डायरेक्शंस, राइट? तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ईएम वेव्स. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेसिप्रोसिटी. दैट मींस I am just a little while before I said that in mobile both the transmitting and receiving antennas are available in this device. Okay, जब तुम बात कर रहे हो उस समय तुम्हारा जो voice है वो तुम्हारा जो mobile tower है उसमें upward direction में जा रहा है. That means it will be treated as uplink. But when we are listening, ये both same time में हो रहा है ना. तुम किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो तुम्हारा बात भी सुन पा रहा है और तुम भी जो अदर एंड पे है उनका बात सुन पा रहे. तो डेफिनेटली ये जो सेम एक ही साथ हो रहा है, अपलिंग एंड डाउनलिंक बोथ आर वर्किंग एट द सेम टाइम. तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोसिटी. ठीक है, तो एक नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. देखो नीचे इसका मतलब एक ब्लॉक डायग्राम भी दिया गया है. दैट मीन्स इट इज अ डिटेक्टर और रिसीवर, इट इज नॉट द ट्रांसमीटर. पहले केस में क्या था, जनरेटर था. याद रखना, पहले केस में ये जनरेटर था, सिग्नल को जनरेट कर रहा था, लेकिन नाउ इट इज इट विल डिटेक्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. ठीक है, तो और बाकी जो चीजें वो सेम है. दैट मींस ये जो गाइडेड वेव, गाइडेड ट्रांसमिशन लाइन है
उसके थ्रू गाइडेड वेव आएगा, दैट मीन्स पहले तो फ्री स्पेस के थ्रू इस साइड से स्टडी करने से अच्छा रहेगा। तो फ्री वेव से इंसिडेंट वेव आके एंटेना के ऊपर गिर रहा है, फिर वो एंटेना उस गाइडेड वेव क्लाइंट के साथ अटैच्ड है, तो गाइडेड वेव के थ्रू ये सिग्नल जो है ट्रांसमिट होके डिटेक्टर और रिसीवर के पास पहुंच रहा है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग होके तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, इट मे बी वॉइस सिग्नल इन मोबाइल केस, और इट मे बी योर डिश एंटेना, लाइक इट इज इट ए वेरी गुड एग्जाम्पल इज अ डिश एंटेना। ठीक है, जब उसमें तुम्हारा एयर फ्री आसमान से मतलब सिग्नल आके ही रहा है, नॉट आसमान से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा है, तो जो भी है फ्री स्पेस के थ्रू तुम्हारा डिश के ऊपर आ रहा है, देन ये जो डिश एंटेना, सपोज इट हेयर इट इज डिश, ठीक से समझना, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे मान लो एक डिश लगा हुआ है जो कि एयरटेल या फिर डिश टीवी का एक डिश लगा हुआ है, देन देन वो जो केबल है, जो केबल एक देखोगे तुम्हारा सेट टॉप बॉक्स से लेके या टीवी से लेके तुम्हारा डिश तक जो पहुंचा है, दैट विल वर्क एज ए गाइडेड वेव लाइन, दैट विल वर्क एज ए ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर हुआ? तो वो जो डिश से लेके जो ऑप्टिकल फाइबर जो कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलेंगे गाइडेड वेव लाइन या फिर एक ट्रांसमिशन लाइन, बाउंडेड ट्रांसमिशन लाइन। तो वो वायर से ये सिग्नल जो है तुम्हारा टीवी तक पहुंच रहा है। अभी तुम अगर कोई एक रियलिटी शो देख रहे हो या फिर कोई लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हो, यू कैन शो इट, यू कैन सी इट, क्लियर? सो इस तरह से रेसिप्रोसिटी, जो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जा रहा है रेसिप्रोसिटी, याद रखना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, स्क्रीन ठीक से दिख रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, आवाज सुन के लग रहा है कि बहुत ही मतलब टायर्ड हो। ओके, चलो कोई बात नहीं, इतना टायर्ड होने से होगा, ज्यादा कोई स्टूडेंट हैवी नहीं, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, हम बार बार करके बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस जानते हो कि तुम लोग के अटेंडेंस एग्जाम के समय कितना प्रॉब्लम होता है, फिर भी एक आध तो स्टूडेंट कोई भी अभी तक क्लास नहीं कर रहा है, कोई भी क्लास कैसे मैनेज होगा, आई डू नॉट नो। ओके, सो बात करते हैं कि ये जो देखो एंटेनास का कुछ फोटो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एंटेना, सपोज मान लो 7 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हम लोग का अभी एट प्रेजेंट मार्केट पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटेना अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट एंटेना स्ट्रक्चर, मतलब उसका डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, सपोज मान लो एक वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे, सपोज मान लो मोबाइल, तुम दुकान में गए हो मोबाइल खरीदने, तो अलग अलग मोबाइल, अलग अलग कंपनी का मोबाइल तो होता ही है, लेकिन अलग अलग फीचर्स भी तो रहता है ना। कोई एक मान लो जो पहले, तो अभी तो वो नहीं है, जैसा फोल्डेड मोबाइल है ना, दोनों स्लाइड को मतलब फ्लिप किया जा सकता है, फ्लिप मोबाइल जो बोलते थे, तो अभी फिर भी आया है, अभी मार्केट में सैमसंग का भी नया बहुत 80,000 1 लाख का वो सब फोन अवेलेबल हो चुका है ऑलरेडी मार्केट पे, लेकिन पहले वो बहुत ही 4,000 5,000 में 10,000 में भी मिलता था फ्लिप मोबाइल। ओके, सो वो एक तरह का मोबाइल हो गया। कोई मान लो तुम्हारा एक ब्लैक एंड व्हाइट सेट हो गया, छोटा सा 1100 रुपये का वो हो गया, नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं 10,000 12,000 का एंड्रॉयड फोन, वो एक हो गया। ठीक है, कोई एक कीपैड एंड्रॉयड फोन भी अवेलेबल है, तो डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ है। तो इसी तरह इस तरह से हम लोग एंटेना के, एंटेना भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंटेनाज हम लोग के पास अवेलेबल है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का मतलब मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव सेम है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेंड समथिंग और सम टू रिसीव समथिंग। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव मेरा सेम ही है, एंटेना का काम जो है वो सेम ही है, मोबाइल का जो काम है वो है बात करना, मेन काम तो वही चीज करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज कर दिया गया है, इसके अंदर
कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें इनपुट किया गया है ताकि इस एंटेना में कुछ अलग सा बिहेवियर दिखने के मिल जाए। ठीक है, ट्रांसमिट और रिसीविंग तो जरूर होगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा। क्लियर हुआ? सपोज यू वांट टू ट्रांसमिट अ सिग्नल, सपोज एक एग्जांपल देते हैं, सपोज यू वांट टू ट्रांसमिट सम सिग्नल फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो कि बीच में ये जो एरिया है इस एरिया में उस सिग्नल का कोई असर ना पड़े। ठीक है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट इधर से जाके इधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो ब्रॉडकास्टिंग होता है तो उसका तो होता है, तो इसलिए हम लोग का उसका रेडिएशन एरिया पता करना पड़ेगा। वो तुमको पहले ही पता चल जाएगा जब तुम एंटेना को डिजाइन करोगे। ठीक है, एंटेना जब डिजाइन होगा उस समय तुमको जो कहाँ पे उसका रेडिएशन जा रहा है, उसका बैंडविड्थ कितना तक है, बहुत एक इम्पोर्टेंट टर्म हो गया बैंडविड्थ। ठीक है, उसका रिटर्न लॉस कितना है, ये सब जो है हम लोग स्टडी करते एक एक एंटेना का। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटेना का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहता है। ठीक है, वो हम लोग इसी तुम लोग का भी है सिलेबस में। तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ ही एंटेना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज मान लो हेलिक्स एंटेना। ठीक है, मेरा तो एक्चुअली मास्टर्स में एंटेना एंटेना ही मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो हम ये हेलिक्स एंटेना के ऊपर पूरा 1 साल काम किए। ठीक है, ये जो मेरा जो मेन प्रॉपर मतलब ध्यान ये था इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर क्या होगा नहीं होगा, पूरा ये जो हेलिक्स है ये हेलिक्स के ऊपर मेरा काम था। ये माइक्रोस्ट्रिप भी बहुत चलता है, माइक्रोस्ट्रिप एंटेना अभी जो एट प्रेजेंट, तो इसके ऊपर भी कुछ कुछ काम किए। तो बाकी सारा एंटेना का फंडामेंटल सेम है, लेकिन एक एंटेना के अंदर जब तुम घुसोगे देखोगे उसके अंदर भी बहुत कुछ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो उस एंटेना के अंदर उस प्रिंसिपल को फॉलो करके। ठीक है, तो मेनली जो हेलिक्स एंटेना का जो एक बातचीत अगर कर ही दिए, तो हेलिक्स एंटेना का जो मेन फीचर्स होता है वो है सर्कुलर पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा उसमें आएंगे, हम लोग का दो तीन तरह का पोलराइजेशन होता है, लीनियर पोलराइजेशन, इलेप्टिकल पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन। तो पर्पस क्या है तो वो यूज दिमाग में रखते हुए हम लोग एंटेना का यूज करते हैं या फिर उसी एंटेना को इम्प्लांट करते हैं। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ एंटेना का फोटो दिया गया है, दैट मीन्स ये है थिन डाइपोल, थिन डाइपोल है। ठीक है, देखो एक वायर से दो मेटालिक सेक्शन इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसका अगर एक वेरी सिंपल अगर एग्जाम्पल तुम लोगों को देंगे, सपोज मान लो तुम एक सिंपल वायर, ठीक है, एक 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 जो ट्रांसमिट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट को, एक सिंपल दो ठो वायर तुम इधर से इस तरह से एक पावर जनरेटर से आके इधर से इस तरह से छोड़ दोगे वो पेनेंट करके, दैट इज बेंड कर दोगे, तो उसमें से भी जो होता है ना कुछ कुछ रेडिएशन होता है। समझ में आया? तो ये जो है ये इटसेल्फ इट विल वर्क एज अ एंटेना, सिंपल दो ठो वायर तो वो डाइपोल जैसा काम करेगा। क्लियर हुआ? डाइपोल क्यों बोला जा रहा है, दो की दो पोल, दो मतलब तुम एंड कर दिए। तो यहाँ पे तो उतना डिटेल्स में नहीं बोला गया है, लेकिन जस्ट एक पिक्चर विजुअलाइजेशन तुम लोग के सामने रखा गया है। ये हो गया तुम्हारा डाइपोल एंटेना, ये हो गया बायकॉनिकल एंटेना, ये हो गया लूप एंटेना, ये हो गया हेलिक्स एंटेना, दिस इज द लॉग पीरियडिक एंटेना, दिस इज द पैराबोलिक डिश एंटेना, दिस इज द हॉर्न एंटेना, दिस इज द माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, दिस इज द एंटेना एरे। एंटेना एरे मतलब समझ में आ रहा है, एरे मीन्स एक कॉम्बिनेशन ऑफ सम सेट ऑफ एंटेनास। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग का डिजाइन मतलब ये जो एंटेनास है, कुछ फोटोज दिया गया है हम लोग का सिलेबस में जो जो है, हम लोग उसका बेसिक पैरामीटर्स स्टडी वगैरह करेंगे। तो एक चीज बोल सकते हो, हम लोग का बचपन में अभी भी शायद कुछ कुछ है गांव में जो टीवी लगा हुआ रहता है, ऊपर में देखोगे कि बड़ा एक इस तरह सा एक एंटेना रहता है, इस तरह सा मेटालिक मेटल से जो मतलब हम लोग तो करते थे जब मैच फैच चलता था, चला जाता था फिर जाके छत में जाके उसको घुमा के आते थे। नीचे कोई खड़ा रहता था, बोलते थे सिग्नल आ रहा है क्लियर, नहीं उसको और थोड़ा घुमाना पड़ता है, इस तरह से ट्यूनिंग करते थे। तुम लोग देखे हो वो एंटेना कभी घर के ऊपर? यस सर, हाँ, उसको उसको वो कौन सा एंटेना है बोल सकते हो, किस टाइप का एंटेना है? यागी उड़ा राइट आंसर, वो है यागी उड़ा एंटेना। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू में, या क्योंकि हम लोग का रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, पूछा जाता है। ठीक है, दैट इज द एंटेना ऑफ
यागी उडा टाइप, यागी उडा, YAGI UDA। तो वो एंटेना तुम लोग का है, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे उसका, याद रखना। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इन योर रूफ टॉप व्हिच टाइप ऑफ एंटेना इज कनेक्टेड फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ टीवी सिग्नल्स, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर होगा यागी उडा एंटेना। ओके, सो ये जो चार्ट है इसमें बेसिकली कुछ एंटेनास का फिगर तुम लोग के सामने रखा गया है। ऊपर में देखो लिखा ही गया है एंटेना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो इधर पे डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन दिस आर जस्ट द एक विजुअलाइजेशन। तो अगर मान लो एंटेना के ऊपर कोई क्वेश्चन मान लो पूछा जाता है कि एंटेना कितना टाइप का होता है, तो उस समय तुम लोग इस फिगर्स को दे सकते हो, ठीक है। आगे जाके जब तुम्हारा वो डिटेल्स में एक एक एंटेना स्टडी करेंगे, तो उस समय तो बहुत ही अच्छा से तुम लोग को समझ में आएगा। सपोज मान लो एक माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, उसके सबसे नीचे होता है एक ग्राउंड प्लेन, जैसा कि ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर होता है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। उसके ऊपर होता है हम लोग का पैच, एंड वो पैच एंड ग्राउंड प्लेन के थ्रू एक फीडिंग किया जाता है उसको, डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है फीडिंग करने का। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर। जब तुम कोई सपोज मान लो तुम एक इंजीनियर बन गए हो एंटेना के कंपनी में, ठीक है, तो जब तुम कोई भी एक एंटेना बनाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एंटेना लेके तो काम करोगे, उसके अंदर तुम जो भी कुछ कर सकते हो, लेकिन चीज वही रहेगा मेन, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसका जो मेन बेसिक फंडामेंटल और फाउंडेशन है उसको तुमको सेम ही रखना है उस एंटेना का, ठीक है। अगर माइक्रोस्ट्रिप एंटेना कर रहे हो तो तुमको एक ग्राउंड प्लेन, बीच में डाइइलेक्ट्रिक, ऊपर में एक पैच, ये तीन चीज तुमको देना ही है। आप कैसे करोगे, पैच का शेप कैसे रखोगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम तुम कौन सा चूज करोगे, दिट इज अंडर द रिसर्च कंसिडरेशन, ठीक है। तुम रिसर्च करो, तुम्हारा जैसा रिक्वायरमेंट है, तुम अगर किसी का एंटेना का कुछ गेन वगैरह आ रहा है तो उसको अगर बेटर कर सकते हो तो तुम चेंज करो, मटेरियल चेंज करो, शेप चेंज करो, फीडिंग मेथड चेंज करो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन तुमका तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्लियर। देन एंटेना पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि उसको हम अच्छा से तैयारी करेंगे जब पोलराइजेशन सेक्शन होगा। तो पोलराइजेशन डेफिनेशन हम अभी नहीं बता रहे हैं, तो मेनली यहाँ पे देखो तीन तरह का पोलराइजेशन लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। ये दो तरह से होता है, राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन, राइट लेफ्ट हैंड सर्कुलर, इसको हम अलग आएंगे। देन एंटेना का जो बेसिक जो क्या होता है मेनली, वेवलेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ तुम लोग जानते हो, ये वेवलेंथ के बारे में ही इसको मैं बोला गया है कि वेवलेंथ का हम लोग का जानते हैं बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू C/F और C = F λ, ठीक है ना। तो वेवलेंथ देखो, यू मे रिकॉल फ्रॉम द फिजिक्स दैट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस आर रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो एक वेवलेंथ मतलब एक साइकिल कंप्लीट करता है, तुम लोग जानते हो बेसिकली, इसमें और कुछ बोलना नहीं है। सपोज एक साइनोसोइडल वेव है, इधर से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो ये जो कम्प्लीटली एक साइकिल हो गया, दैट मीन्स इधर से शुरू से लेके इधर तक एक कम्प्लीट एक वेवलेंथ होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो साइकिल ही एक रिपीट 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 कर जाए, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन योर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो देख लेना तुम लोग PPT डाउनलोड करके। एंड वेवलेंथ ऑफ एंटेनाज, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि द डायमेंशन ऑफ द एंटेना आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो वेवलेंथ इज आवर एक मेन कंसर्न, कि एंटेना का वेवलेंथ कितना है, एंटेना का बैंडविड्थ कितना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो फ्रीक्वेंसीज इंप्लाई लॉन्ग वेवलेंथ, ये तुम लोग जानते हो, हेंस लो फ्रीक्वेंसी एंटेनाज आर वेरी लार्ज। देखो एक चीज जो है, वेवलेंथ अगर जितना तुम बड़ा कर दोगे ना लो फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये लो फ्रीक्वेंसी है, जितना तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी होगा वेवलेंथ भी बड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये एक साइकिल है, तो इसमें ग्रीन कलर से देखो, ये हम एक वेवलेंथ है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, या फिर एक हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैसा दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा माउस से कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आई थिंक तुम समझ सकते हो। तो इसका एक वेवलेंथ है इतना तक, तो व्हिच वन इज शॉर्टर, डेफिनेटली दिस वन। क्लियर हुआ।
तो इसीलिए लिखा जा रहा है, ये जो सेकेंड पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लो फ्रीक्वेंसीज इंप्लाई लॉन्ग वेवलेंथ, हेंस लो फ्रीक्वेंसी एंटेनाज आर वेरी लार्ज। जितना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लो रहेगा और जितना फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जितना वेवलेंथ हाई रहेगा, तो बोथ आर रिवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ हाई मतलब फ्रीक्वेंसी लो, तो जितना तुम्हारा वेवलेंथ बड़ा रहेगा, सिंपल तरह से ये समझ लो कि तुम्हारा एंटेना जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि वेवलेंथ अगर हाई है तो उसके उस बिहाफ में एंटेना साइज भी तुम्हारा बड़ा बड़ा साइज दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा वेवलेंथ को कैच करने के लिए तुमको बड़ा एरिया चाहिए, एपेचर ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एपेचर ऑफ एंटेना, तो वो भी बड़ा चाहिए। ठीक है, और जितना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी छोटा हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, दैट टाइम यू नीड द स्मॉल एंटेना। ठीक है, इसका एक रेशियो भी है, हम लोग इसको भी देखेंगे। तो इसीलिए अभी जो है ना, फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा अभी हाई हो जा रहा है, धीरे धीरे देखो मेगा हर्ट्ज में काम होता था, अभी उसके बाद जीगा हर्ट्ज, नाउ वी आर टुवर्ड्स मूविंग टू द टेरा हर्ट्ज कम्युनिटी। टेरा हर्ट्ज जब आ जाएगा तो उस समय देखोगे और भी हम लोगों का, तो मतलब ये जो 5G कम्युनिकेशन, मोबाइल का स्पीड, इंटरनेट का बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़ जाएगा। तो और एंटेना का साइज छोटा छोटा हो जा रहा है, तुम देखो ना घर में, तुम उस इसी चीज को कंसिडर करो, घर में पहले छत के ऊपर कितना बड़ा वो यागी-उडा एंटेना रहता था, कितना बड़ा रहता था, लेकिन अभी जो है देखो तुम, जो डिश टीवी का एंटेना है उतना बड़ा नहीं रहता, छोटा सा एक डिश रहता है, वो भी छोड़ो तुम मोबाइल, मोबाइल के अंदर एंटेना, तुम बोलोगे सर कहाँ पे है मैं मोबाइल के अंदर एंटेना, लेकिन है, उसके अंदर भी माइक्रोस्ट्रिप चिप लगा हुआ है। तो देख रहे हो ना कि जितना मतलब दिन टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, हम लोग का एंटेना का साइज छोटा हो जा रहा है, क्योंकि डिवाइस भी छोटा छोटा है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए इट इज अ वेरी वेरी चैलेंज टुवर्ड्स द टू द सोसाइटी और टू द इंजीनियर्स, कि ये जो एंटेना फील्ड, एंटेना जो सेक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा अभी रिसर्च करने का बाकी है, क्योंकि जितना मतलब आगे दिन जा रहा है, डिवाइसेस छोटा छोटा हो जा रहा है। पहले मोबाइल इतना बड़ा था, अभी छोटा हो, खैर मोबाइल के केस में तो उल्टा हो गया है, मोबाइल पहले छोटा था वो बड़ा है, लेकिन वो मतलब एक गलत फहमी है, हम लोगों का डिस्प्ले बड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर अगर तुम देखोगे सारा का सारा मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो छोटा ही है। ठीक है, पहले से तुम एक कॉल करते थे बचपन में, जो तुम्हारा 1100-1200 रुपए का फोन आता, लेकिन अभी तुम एक मोबाइल, एक मिनी कंप्यूटर जैसा हो गया है, तुम इसमें सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक एंड्रॉयड मोबाइल 6.5 इंचेस का, उसमें क्या क्या नहीं होता है, तुम सॉफ्टवेयर, तुम एक बहुत बड़ा एक मतलब विजुअलाइजेशन का गेम खेल सकते हो, जो कि पहले एक अच्छा अच्छा कंप्यूटर में होता था, पबजी बोलो या फिर जो भी बोलो, इसमें बहुत ही बड़ा बड़ा गेम, 2 GB 3 GB का गेम है, या फिर तुम कोई एक एक्सेल का काम कर सकते हो, देन इट इज अ नॉट इट इज लिमिटेड इन जस्ट फॉर अ कॉलिंग, तो इसमें एक मिनी कंप्यूटर ही हो गया है। तो उसको दोनों से रिलेट करना गलत होगा कि पहले छोटा मोबाइल था अभी बड़ा मोबाइल है, अभी इट इज अ बेसिकली ए स्मार्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, जो एक सैमसंग का जो 1 लाख का जो फोन आता है मोबाइल, उसमें क्या क्या नहीं होता है। ओके चलो, हम यहाँ पे कोई ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वट एवर। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना मतलब टेक्नोलॉजी आगे तरफ जा रहा है, तो अभी धीरे धीरे एंटेना का साइज और छोटा होगा, और छोटा होगा। ठीक है, तो इंजीनियर्स के लिए चैलेंज है कि कितना वो बड़ा मतलब जब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसीज में काम करना स्टार्ट करेंगे, और भी अभी गीगाहर्ट्ज में ही मैक्सिमम काम होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लेकिन बहुत काम हो रहा है टेराहर्ट्ज रेंज में, मतलब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि टेराहर्ट्ज रेंज में ये कम्युनिकेशन को शिफ्ट कर देने के लिए। ठीक है, और अभी ये हो जाता है। ठीक है, आने वाला दिनों में मतलब हम लोग का जो ये कम्युनिकेशन, तुम लोग स्टडी किए हो जितना सारा AM FM, जितना सारा कम्युनिकेशन हम लोग स्टडी करते हैं, उसका जो पैटर्न है, उसका जो मतलब ASK FSK, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, हो सकता है कि वो रातों रात बदल जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एक इवोल्यूशन होता है।